नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क KYC वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आप किस प्रकार से पाई नेटवर्क में आप अपना KYC वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट और जान लेते हैं कि हम पाई नेटवर्क में अपना KYC वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पाई एप्लीकेशन जो आपको ओपन करना हो फ्रेंड, ओपन करने के जस्ट बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन आता है तो कुछ इस प्रकार से KYC का जो नोटिफिकेशन आता है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा ओपन ब्राउज़र का, जब ये यहाँ पे हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब कॉर्नर पे 3 लाइन इस पर जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक पाई ब्राउज़र का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो एप्लीकेशन होता है पाई ब्राउज़र का ऑफिशियल भी एप्लीकेशन है, तो पाई ब्राउज़र थी इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे आप पाई KYC नहीं कर पाएंगे। तो इस ब्राउज़र को आपको डाउनलोड करके इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है KYC.py, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो, आपको वेट करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन का जो प्रोसेस हो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटा है यहाँ पे इस प्रोसेसिंग में हो रहा है, यानी यहाँ पे नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में कर लिया है, बट आप यहाँ से लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आप टाइप करके आप जो अपना लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन में लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है अपने लैंग्वेज में यहाँ पे चूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपना जो है आईडी, आपका जो कंट्री में जो आईडी लगता है आप अपना आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना जो रीजन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपको कंट्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कंट्री आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज कर लीजिए। जैसा मेरा इंडिया तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे आईडी टाइप यानी आपको कौन सा आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं, यहाँ पे KYC के लिए कौन सा आईडी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, उस आईडी पे आपको यहाँ पे टिक कर लेना होगा। यानी यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ पैन कार्ड, तो पैन कार्ड पे यहाँ पे टिक करके अब यहाँ से कुछ कंडीशन है तो आपको इस कंडीशन पे टिक कर देना, यानी साइड वाले जो बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना हो फ्रेंड। यदि आप इसे रीडअप करना चाहते हैं तो इस पर टाइप करके यहाँ से अच्छे से रीडअप कर सकते हैं, एंड नहीं तो यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप एग्री करना चाहते हैं यहाँ पे एग्री कर लीजिए, आपको एग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे वाले पे यहाँ पे कर सकते हैं कि आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं कि नहीं, तो इस पर टैग करेंगे। फिर इस पर आपको वैलिडेटर को एक पाई देना हो फिर इस पर आपको टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे लेस्ट गो वाले ऑप्शन पे आपको टाइप करना होगा। जब इस पर टाइप करेंगे तो नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। अब आपको यहाँ पे 3 स्टेप करने होंगे फ्रेंड, तो 4 स्टेप करने होंगे। और क्या क्या स्टेप हैं यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बारी बारी करके। आपको पहले अपना फोटो आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फिर आईडी आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन करना पड़ेगा, एंड जो लास्ट है वो पाई पेमेंट करना होगा, यानी आपको एक पाई यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आई एम रेडी, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको टैग कर यहाँ पे टैप करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है KYC यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, यहाँ पे ट्यूटोरियल दे रहा है, तो यहाँ पे देख के आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब आपका जो भी आईडी है उसका एक फ़ोटो खींच के आप डायरेक्ट खींच सकते हैं, या आप फोटो अपने पहले से अपने फ़ोन में रखे हैं तो यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन, यहाँ पे माई फाइल वाले ऑप्शन पे टैप करके आप अपने गैलरी से अपने डॉक्यूमेंट का जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसका जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका जो फाइल गैलरी से लिए हो इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना होगा उसको फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका जो है अब अपना जो है सारे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने होगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मिडिल नेम, सरनेम, और यहाँ पे अपना आईडी, एड्रेस, यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे वीडियो पस करके यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे अपना जो एड्रेस है मैंने सब कुछ फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे फेस वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करना होगा आइडेंटिटी के लिए, तभी आपका जो KYC वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो चुका है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे स्माइल करते हुए, तो मैंने यहाँ पे स्माइल करते हुए यहाँ पे अपना आइडेंटिटी दिया।
तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे सक्सेस भी हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस जो पहले बैंक दिया था, तो इसे पे हम देख के यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पूरा आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी था सारे यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका सही है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा फ्रेंड। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपने लोडिंग हो रहा है। वेट करने के बाद फिर से हम करेंगे नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डाटा अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन, आपका जो है सारा केवाईसी अंडर प्रोसेस में हो चुका है फ्रेंड। अब आपको कुछ समय के बाद आपका जो है केवाईसी यहाँ पर अप्लाइड हो चुका है। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस में चला गया है, यानी रिव्यू इन प्रोसेस, आपका जो है रिव्यू में चला गया है। अब यहाँ पे कुछ यानी 24 आवर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है केवाईसी अप्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए पाई नेटवर्क में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, खास बात आपको बतानी है कि आप जो भी हमारे यहाँ पे लिंक से आप जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से माइनिंग का जो रेट है यहाँ पे जो लॉन्च का है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।